नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देसी विमर्श, आपका अपना पॉडकास्ट जहां जटिल मुद्दों को हम आसान भाषा में समझाते हैं। जी हां, और आज का विषय तो वाकई बेहद खास और रोमांचक है। बिल्कुल, क्या भारत एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो रडार की पकड़ से बाहर हो? ये सवाल आजकल बहुत चर्चा में है। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट विष्णु की और उसकी क्या कहते हैं सबसे चर्चित मिसाइल ETLDCM की। ETLDCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, नाम ही काफी दमदार है और दावे उससे भी ज्यादा। कहा जा रहा है कि ये न सिर्फ मैक 8 की रफ्तार पकड़ सकती है बल्कि दुश्मन के रडार को मतलब चकमा भी दे सकती है। तो इस एपिसोड में हम इसी गुप्त मिशन से जुड़ी सारी चर्चाओं, तकनीक और संभावनाओं को बिल्कुल साधारण भाषा में और तथ्यों के आधार पर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जी, देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वो बेल आइकन भी दबा दें। हाँ, ताकि अगली बार जब हम कोई ऐसा ही गहरा विश्लेषण लेकर आए तो आप सबसे पहले देख सकें। एक और बात, इस चर्चा में जो भी जानकारी हम दे रहे हैं वो विश्वसनीय वेबसाइट्स, डिजिटल न्यूज स्रोतों और सोशल मीडिया चैनल्स पर आधारित है। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी समूह, देश या विचारधारा को निशाना बनाना नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट विष्णु और ETLDCHM ये हैं क्या असल में? सुनने में तो ये किसी फ्यूचरिस्टिक वॉर मूवी जैसा लगता है। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट विष्णु का सीधा सा लक्ष्य है भारत के लिए एक लंबी दूरी की हवा में सांस लेने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करना। ओके, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और ETLDCHM इसी प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट है? जी हाँ, ETLDCHM ही वो मिसाइल है और इसकी जो अनुमानित क्षमताएं हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। जैसे मैक 8 की स्पीड। मैक 8 मतलब आवाज से 8 गुना तेज? हाँ, और रेंज करीब 1500 किलोमीटर। साथ ही ये 1000 से 2000 किलोग्राम तक का पेलोड मतलब विस्फोटक ले जा सकती है। तो 1500 किलोमीटर रेंज और इतना भारी पेलोड, अच्छा इसीलिए शायद इसे ब्रह्मोस का बिग डैडी कहा जा रहा है। रेंज लगभग डबल और पेलोड तो कई गुना ज्यादा। बिल्कुल, तुलना तो होनी ही है। ब्रह्मोस अपने आप में बेहतरीन है पर ये मतलब ETLDCM एक अलग ही लीग की चीज हो सकती है। तो ये ब्रह्मोस से अलग कैसे है? सिर्फ रेंज और पेलोड से ही या कुछ और भी है? नहीं, फर्क बहुत बड़ा है। ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो एक फिक्स्ड ऊंची ट्रेजेक्टरी पर जाती है। नहीं, ये सिर्फ एक ग्लाइड व्हीकल है जो नीचे आता है। अच्छा, ये एक क्रूज मिसाइल है। इसका मतलब ये वायुमंडल में काफी नीचे उड़ सकती है, अपना रास्ता बदल सकती है, मैन्यूवर कर सकती है। ओ, तो इससे दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसे ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और इसकी जो जान है वो है इसका इंजन, स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट? हाँ, ये नाम पहले भी सुना है HSTDV के वक्त, है ना? क्या ये वही टेक्नोलॉजी है? जी, ये उसी टेक्नोलॉजी का अगला और बहुत बड़ा कदम है। स्क्रैमजेट इंजन की खास बात ये है कि ये उड़ने के लिए हवा से ही ऑक्सीजन लेता है। अच्छा, रॉकेट की तरह अपना ऑक्सीडाइजर लेकर नहीं चलना पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये हल्का रहता है, ज्यादा देर तक हाइपरसोनिक स्पीड बनाए रख सकता है और जैसा हमने कहा, ज्यादा पेलोड भी ले जा सकता है। ये तो वाकई क्रांतिकारी तकनीक लगती है। पर अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, ये कथित परीक्षण। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट थी जिसने कहा टेस्ट किया है। हाँ, लेकिन उसी रिपोर्ट में भाषा थोड़ी मतलब कंफ्यूजिंग भी थी। कहीं ऐसा लग रहा था कि टेस्ट कर रहा है और सरकार की तरफ से तो कोई पुष्टि आई ही नहीं, एकदम चुप्पी है। तो ये घालमेल क्यों, क्या हो रहा है असल में? देखिए, यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कुछ समय पहले ही DRDO प्रमुख का बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए अभी पूरी फंडिंग मंजूर नहीं हुई है। अच्छा, तो फिर टेस्ट कैसे? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मिसाइल बनने में अभी 5 से 7 साल लग सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि स्क्रैमजेट तकनीक में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। क्या कामयाबी? उन्होंने बताया कि इंजन का 1000 सेकंड का ग्राउंड टेस्ट सफल रहा है, मतलब जमीन पर इंजन को 1000 सेकंड तक चलाया गया। 1000 सेकंड, ये तो काफी लंबा समय है। जी हाँ, और ये बात भी है कि भारत पहले भी HSTV जैसे अहम परीक्षणों को काफी गुप्त रखता आया है, एकदम आखिरी वक्त तक खबर बाहर नहीं आती। तो क्या ये मुमकिन है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, कोई टेस्ट हुआ हो जिसे बताया ना जा रहा हो? यहाँ एक पैटर्न देखने लायक है।
अप्रैल 2025 में सरकार ने खुद उस 1000 सेकंड वाले स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट की पुष्टि की थी। हाँ, याद है। और वो टेस्ट जनवरी के 120 सेकंड वाले टेस्ट से सिर्फ 3 महीने बाद हुआ था। मतलब सिर्फ 3 महीने में 120 सेकंड से 1000 सेकंड तक पहुंच गए। ये बहुत बड़ी छलांग थी। सही बात है, सिर्फ 3 महीने में। और अब अप्रैल से फिर लगभग 3 महीने बीत चुके हैं और पिछली सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि अगला कदम होगा फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबस्टर टेस्टिंग। फुल स्केल फ्लाइट वर्दी कंबस्टर टेस्टिंग, इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है कि मिसाइल के साइज का जो इंजन है उसका परीक्षण ऐसे परिस्थितियों में करना जो उड़ान के दौरान होती हैं, मतलब हवा का दबाव, तापमान, वो सब। तो आप कह रही हैं कि शायद पूरी मिसाइल न उड़ी हो पर उसके इंजन का, मतलब उसके दिल का, एक तरह से फ्लाइट जैसा टेस्ट हुआ हो। इसकी संभावना सबसे ज्यादा लगती है। वो कहावत है ना, धुआं दिख रहा है तो आग कहीं ना कहीं तो है। हाँ, मतलब पूरी मिसाइल का टेस्ट नहीं पर उसके सबसे मुश्किल हिस्से, इंजन का एक एडवांस टेस्ट। जी, और ये तकनीक इतनी खास इसलिए है क्योंकि ये बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब देखिए, अमेरिका जैसा देश भी अभी एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने में संघर्ष कर रहा है। उनके पास ग्लाइड व्हीकल है पर ऐसी क्रूज मिसाइल नहीं। अच्छा, अमेरिका भी? हाँ, रूस दावा करता है कि उनके पास जिरकॉन मिसाइल है लेकिन उसका पेलोड भी ETLDCM के अनुमानित पेलोड से काफी कम बताया जाता है, शायद 300 से 400 किलो के आसपास। तो अगर, मतलब अगर भारत ये ETLDCM बना लेता है तो ये तो वाकई एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। बिल्कुल, सोचिए इतनी तेज रफ्तार, पकड़ में ना आने वाली और इतना भारी पेलोड ले जाने की क्षमता, ये समीकरण बदल सकती है। ये जानना उन सबके लिए जरूरी है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन में रुचि रखते हैं। निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है तापमान। तापमान? हाँ, हाइपरसोनिक स्पीड पर हवा के घर्षण से मिसाइल की सतह का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 2000 डिग्री? ये तो जैसे पिघला हुआ लावा होता उतना गर्म। हाँ बिल्कुल। अब इस भयानक गर्मी में मिसाइल का ढांचा, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉनिक्स, गाइडेंस सिस्टम, सब कुछ सही सलामत काम करे, ये सुनिश्चित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। मटेरियल साइंस की परीक्षा है ये। समझ गया। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो हालिया कथित परीक्षण हुआ वो इंजन का ही था और सफल रहा, तो अब आगे क्या होगा? क्या सीधे मिसाइल बनाकर उड़ा देंगे? नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, प्रक्रिया काफी लंबी होती है। अगला कदम होगा इस सफल इंजन को मिसाइल के एयर फ्रेम यानी उसके बाहरी ढांचे और इसके गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़ना। ओके, इंजन को बॉडी और दिमाग से जोड़ना। हाँ कह सकते हैं। फिर इस पूरी असेंबली को एक बूस्टर रॉकेट पर लगाया जाएगा। बूस्टर रॉकेट? लेकिन स्क्रैमजेट तो खुद ही इंजन है। हाँ, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन तभी काम करना शुरू कर सकता है जब हवा मैक 5 या उससे ज्यादा तेज गति से उसके अंदर जाए। वो खुद से जीरो स्पीड से मैक 5 तक नहीं पहुंच सकता। अच्छा, ये बात है। तो पहले एक पारंपरिक बूस्टर रॉकेट मिसाइल को वो शुरुआती रफ्तार देगा, सुपरसोनिक या शायद लो हाइपरसोनिक। एक खास ऊंचाई और गति पर पहुंचने के बाद बूस्टर अलग हो जाएगा और फिर स्क्रैमजेट इंजन अपना काम शुरू करेगा और मिसाइल को मैक 8 तक ले जाएगा। समझ गया, पहले बूस्टर धक्का देगा फिर स्क्रैमजेट संभालेगा, और इसके बाद भी कई टेस्ट होंगे। हाँ बहुत सारे। पहला तो यही कि बूस्टर सही से अलग हो रहा है या नहीं और स्क्रैमजेट ठीक समय पर चालू हो रहा है या नहीं। फिर मिसाइल उस अत्यधिक गर्मी को झेल पा रही है या नहीं, थर्मल प्रोटेक्शन, हवा में कलाबाजी यानी मैन्यूवरेबिलिटी कर पा रही है या नहीं, अपनी पूरी रेंज जो 1500 किलोमीटर बताई जा रही है वहां तक जा पा रही है या नहीं, और सबसे जरूरी, निशाने पर सटीक लग रही है या नहीं। बिल्कुल, एक्यूरेसी। इन सब चीजों की कई बार अलग अलग परिस्थितियों में टेस्टिंग होगी, एक लंबी प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि भारत ने अपनी हाइपरसोनिक दौड़ में एक अहम, शायद बहुत अहम पड़ाव पार कर लिया है, संभवतः इंजन के लेवल पर, लेकिन इसे पूरी तरह से पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। हाँ, और अगर ये वाकई कामयाब होता है तो इसके रणनीतिक मायने बहुत गहरे होंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर जैसा आपने कहा, ये भी याद रखना जरूरी है कि एक सफल इंजन का प्रदर्शन एक बात है और एक पूरी तरह से ऑपरेशनल भरोसेमंद हथियार प्रणाली को बनाकर तैनात करना दूसरी बात। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर से एक वेपन सिस्टम तक का सफर हमेशा जटिल और चुनौतियों भरा होता है। अभी भी काफी काम बाकी है। ये बात तो है।
और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि अगर भारत इस बेहद जटिल और शक्तिशाली तकनीक में महारत हासिल कर लेता है तो क्या ये दुनिया में, खासकर हमारे क्षेत्र में, हथियारों की एक नई होड़ को जन्म नहीं देगा? ये एक बड़ा सवाल है, या फिर ये सिर्फ बदलते हुए वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी जगह बनाए रखने की एक जरूरी कवायद है। इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण प्रोजेक्ट विष्णु और ETLDCM के रहस्यमयी परीक्षण पर। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप ऐसे ही जटिल अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो देसी विमर्श के बाकी पॉडकास्ट एपिसोड्स भी जरूर देखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल कीजिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र की नींव होते हैं। जय हिंद। जय हिंद।